वीडियो कौन जीना इसी का नाम है कि आज के एपिसोड में बहुत खूबसूरत एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों एक 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 अंदर की बात का छोटा सा किस्सा आपके साथ डिस्कस करूं जब मैं नॉर्मली शूटिंग के लिए यहां आ जाता हूं स्टूडियो में तो हमारे ड्रेस डिपार्टमेंट का जो मेरे कपड़े वपड़े मुझे देते हैं वो साहब जो हैं मुंबई के हैं बहुत प्यारे से भले से आदमी हैं और बड़े मुंबईया अंदाज में बात करते हैं तो जब मैं गया ड्रेस रूम में तो उन्होंने कहा साहब हमेशा ये होता है कि दो तीन कॉस्ट्यूम मुझे दिखाते हैं कहते हैं क्या पहनोगे तो मैं हमेशा कह देता हूँ कुछ भी दे दो तो उसने कहा साहब क्या पहनेंगे आज मैंने कहा कुछ भी दे दो तो उसने कहा सर आज कुछ भी से काम नहीं चलेगा बहुत सोच समझ के अच्छा वाला लीजिए तो मैंने कहा क्यों भाई तो उसने अपने ख़ास मुंबईया अंदाज में कहा सर बहुत टॉप लगती है वो मैंने कहा टॉप लगती है तो फिर ये लाल वाला चमकीला निकालो ताकि कुछ दो चार नज़र मेरे पे भी पड़ जाए क्योंकि जैसे ही वो तशरीफ़ लाएंगी उसके बाद तो कोई मुझे देखने वाला नहीं तो ये लम्हा दो लम्हा आप लोग मुझे देख लीजिए और अब मैं फ़ौरन बुलाता हूँ उनको जिनको आप सिर्फ और सिर्फ देखेंगे सुष्मिता सेन साहिबा आइए आप तशरीफ लाएं और मैं ये बता दूं कि भाई बड़े इंतजार के बाद तशरीफ लाई हैं कई महीनों से इनका पीछा कर रहे हैं हम सुष्मिता ये तो खैर सारी दुनिया जानती है कि आप मिस इंडिया रहीं फिर मिस यूनिवर्स हुई और तरह तरह की मतलब ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह जीती हो लेकिन अगर मतलब शुरू ही से मैं ये डेंजरस सवाल पूछना चाहता हूँ अगर आप एक्ट्रेस ना बनती जी तो आप क्या करती मेरी ज़िंदगी में ये ब्यूटी पैजेंट्स और बीइंग एन एक्ट्रेस ये सब एक एक बहुत ही खूबसूरत हादसा है जो एक के बाद एक होता चला गया और सच बताऊँ तो मुझे खुद नहीं मालूम कि अगर मैं ये सब नहीं हुई होती तो आज कहाँ होती मगर जहाँ भी होती इंशाल्लाह बहुत खुश होती बेशक बेशक इससे पहले कि आपसे और बातें करें जी मैं चाहता हूं कि चूंकि इस सवाल का जवाब आपने बड़ी खुशी के साथ और बड़ी सिफत के साथ जो है टाल दिया तो मैं उन लोगों को बुलाता हूं जो इस सवाल का जवाब मुझे कायदे से दे सकें शायद मैं बुलाता हूं आइए प्लीज तशरीफ लाइए मेरा ख्याल है सारे मतलब एक तरफ ना हो जाए कुछ सुष्मिता मुझे पता है छोड़ दिया आप सब मुझे बहुत पसंद करते हैं लेकिन कुछ सुष्मिता का भी आइए सर इधर आइए तो सुष्मिता मैं चाहूँगा कि आप इन ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी जी जरूर जो है हमको इनसे परिचय करवाएं ये है मेरे बापी दादू दिस इज माई मम्मीज डैडी नाना जी और मेरे बचपन से आज तक मेरी जितनी भी समर वेकेशंस की यादें हैं मेरी छुट्टियों की यादें हैं मेरी जितनी भी कहानियां हैं सब दादू से सुनी है मैंने गाड़ी तक चलाना दादू से सीखा है मैंने दैट हैंडसम टॉल अमेजिंगली कैरिस्मेटिक मैन इज माय डैडी इनका नाम है मिस्टर सुबीर सेन विंग कमांडर सुबीर सेन रिटायर्ड ये है मेरी मामा इनका नाम है शुभ्रा सेन और ये है मेरा भाई इसका नाम है राजीव सेन मैं माता जी से शुरू करता हूँ सुष्मिता जो है ये कह रही हैं कि मुझे पता नहीं अगर मैं एक्ट्रेस ना बनती तो क्या बनती जब सुष्मिता बहुत छोटी थी तो आपको क्या लगता था कि ये क्या बनने वाली आपको क्या अंदेशा क्या था अंदेशा ऐसा था कि पता नहीं यू नो लाइक सम टाइम यू गेट साइंस इन लाइफ जैसे जिस दिन वो उसका जन्म हुआ फ्रॉम दैट डे स्टार्टेड इफ आई रिमेंबर बैक शी वॉज लाइक अ वेरी टॉल चाइल्ड बॉर्न 22 or 23 inches टॉल तो वहीं पर लोग देखने आ गए उसे मैं तो ऑर्डिनरी हाउसवाइफ हूँ मेरा एक छोटा सा आई मीन लड़की हुई है वहाँ पे इतने लोग लाइन में आए हैं क्योंकि लड़की छोटी सी थी नहीं थी काफी लंबी सी थी इसीलिए नो दैट वाज अ साइन मे बी नाउ आई रियलाइज द डे व्हेन शी वाज इन लेबर देयर वाज अनदर नैगिंग वरी दैट वाज देयर विद माय द बैक ऑफ माय माइंड कि इट वाज अ लूनर इक्लिप्स एंड अदरवाइज इट वाज पूर्णिमा इट वाज फुल मून नाइट कार्तिक पूर्णिमा बट Because of the eclipse, I do a little bit of astrology, so I was a little worried that if the eclipse is on when she is born, that's not a good sign. And till 6 o'clock, the eclipse was there. The finally, she was born at 7 o'clock, so it was all over, and so we heaved a sigh of relief. I was right so after she the eclipse. Really came with a bang.
6 फुट और कितने इंच बताया आपने? 4 इंच. मैं एक काम करता हूँ, मैं ताकि बदतमीजी कम मालूम हो, मैं नाना जी से कहता हूँ कि प्लीज तशरीफ रखें. ना, प्लीज, और मैं जरा मैं राजीव साहब से कहता हूँ कि जरा इधर आइए ताकि मैं और ऊंचा नजर आऊँ. प्लीज आइए यहाँ. सर, आप सुष्मिता जी से कितने साल मतलब उम्र में छोटे हैं? 4 साल. 4 साल. बचपन में है आपसे 5 साल बड़े होने का हक जताती रहती थी क्या? जी, क्योंकि आफ्टर ऑल इन बड़ी है मेरे से. जी. पर मैं भी कुछ कम नहीं था. पीछे आ जाना. एक्चुअली डैडी मेरे पास आ जाना. ओके. जी. झगड़ते थे बहुत हम, पर दोनों झगड़ते थे या दोनों? अरे चलो, ही इज वेरी फेयर. पर अदरवाइज शी ऑलवेज हैड द अपर हैंड. Because she was... Why am I not surprised? But आपको भी ऐसा लगता था कि यार ये मेरी बड़ी बहन जो है ये बहुत इरादे की पक्की है, मन बना लेती है तो वो करके रखती है? क्योंकि हम लोग जब देखते हैं सुष्मिता जी को तो हमको ऐसा लगता है ये औरत यार अपना मन एक बार बना लेती होगी तो फिर आंधी तूफान कोई चीज को रोक लेती है. But I must say कि उसकी जो जिद की जो रॉन्ग साइज हैं वो सब मेरे पल्ले पड़ते हैं. चलो माँ हूँ, सह लेती हूँ, कोई बात नहीं है. उसका हक बनता है, मेरा भी, चलो कोई बात नहीं. पर जो उसमें जो राइट साइड जो आई मीन जो देखा मैंने, शी वेंट आउट फॉर एवरीथिंग, शी वाज अ गो गेटर फॉर दैट. सो यू नो दैट इवन दैट ऐप बिकेम अ पॉजिटिव थिंग फॉर हर, यू नो. मैं कितने साल पुरानी जो है आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ. 22 इंच से थोड़ी सी और लंबी हो गई थी. हम तो तस्वीरें यहाँ देखते हैं. ये एक काम करते हैं. इन्होंने कहा कि सारी जो आपने मतलब दादागिरी की और आपकी ज्यादती की जिद की बात की, नहीं, माता जी कह रही थी वो सब इनके हिस्से में जाती थी लेकिन ये माँ होने के तौर पे कुदरती तौर पे बर्दाश्त कर लेती थी. वेलकम बैक. वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है. बातें हो रही हैं सुष्मिता सेन के बारे में. दर्शकों को तो खैर पता ही होगा कि आज जब आप शो देख रहे हैं तो ये चिल्ड्रंस डे है, 14 नवंबर, जो बच्चों के नाम से वाबस्ता है ये, और एक बहुत बड़ी शख्सियत के नाम से भी वाबस्ता है. तो मिसेस सेन, आप तशरीफ रखें. मैं आज चिल्ड्रंस डे पे सुष्मिता सेन को एक बहुत ही अच्छा तोहफा देना चाहता हूँ, एक सरप्राइज के तौर. प्लीज़ तशरीफ लाइए. Say hi. How are you? Fine. You're more than fine. You're very, very pretty. And you're very nice. मैं नीलम आपकी सिस्टर का तो तारुफ करा देता हूँ. जी. आप नीलम है? नीलम यहाँ आइए प्लीज. सुष्मिता की बहन है नीलम. बड़ी बहन. चलिए बड़ी बहन. 2-4 महीने बड़े होने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है. अरे. लेकिन इनका तारुफ जो है आप कर रहे हैं. जी. ये जो है इनको मैं अपनी डेस्टिनी बुलाती हूँ, मेरी किस्मत. इनका नाम है, हेलो, आपका नाम क्या है? रेने. रेने. ये मेरी इकलौती जान है, मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है, और फिलहाल कैमरा से बहुत डर रही है. वैसे हमको लगता नहीं कि कैमरा से डरने वाली बच्ची, बड़ी बहादुर बच्ची है. इसका नाम रेने किसने रखा? मैंने रखा. अच्छा. तो हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को ये भी बता दें कि इस नाम के पीछे राज क्या है. जब मैं 18 साल की थी तो यूं ही ट्रैवल करते वक्त ये बहुत सुंदर सा नाम सुना था मैंने, रेने, क्योंकि बचपन से मेरा नाम कुछ इस कदर पुकारा गया है, सुष्मिता, सुमिता, ऑल काइंड ऑफ वर्जन्स ऑफ माय नेम. तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मेरी बच्ची का नाम ऐसा नाम होना चाहिए दुनिया में सब ले सके. सो व्हेन आई मेट रेने आई वाज 24 इयर्स ओल्ड, एंड मेरा ये था कि मैं बच्चियों से जब मिलूंगी तो मैं सिर्फ उसका नाम बोलकर पुकारूंगी और जो बच्ची उस नाम पर रिएक्ट करेगी वो मेरी बच्ची है.
यू नो सो ये सो रही थी, छोटी सी थी, सो रही थी, छः महीने की थी. मैंने जैसे ही रेने पुकारा, इन्होंने इतने बड़े बड़े आँख खोल के एक ब्राइट स्माइल दिया मुझे, और मैंने उसी वक्त कहा था दिस इज़ द बेबी, दिस इज़ रेने. रेने का मतलब है टू बी बॉर्न अगेन. टू बी बॉर्न अगेन मीन्स इट कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल रेनेसांस, कि जिसका जन्म दोबारा हो. तो इससे ऐप नाम तो हो ही नहीं सकता था, है ना? आपके नाम बहुत अच्छे हैं, तस्वीरें देखते हैं आपकी, देखिए वहाँ पर्दे पे. अरे वाह, चलो एबीसीडी सुना लो. ओके, हैप्पी बर्थडे करीना, बर्थडे केक. अरे हैप्पी बर्थडे, 2 years of age today. Happy birthday to you. तो इनको बहुत करीब से जानती हैं. ये जो है इतनी अपनी मसरूफ रहती हैं अपने काम काज में, तरह तरह की भाग दौड़ इधर उधर दुनिया भर में, तो इनका इनका रवैया जो है रेने की तरफ कैसा होता है? हाउ डज शी मेक टाइम फॉर देम? शी डजंट नीड टू मेक टाइम फॉर रेने. रेने इज ऑलवेज विद हर, वेदर शी इज वर्किंग, वेदर शी इज सिटिंग एट होम, या कुछ भी कर रही होती है, रेने इज हर फर्स्ट प्रायोरिटी, व्हिच शी इज वेरी क्लियर अबाउट. She really doesn't make time. She has all the time for her. तो आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या तब्दीलियाँ आई हैं जब से ये तशरीफ़ लाई हैं? बहुत सारी actually. और सच बात तो ये है कि मैंने ये उस वक्त भी कहा था जब मैं कोर्ट में उसके पेपर्स के लिए लड़ रही थी कि प्लीज़ आप किस तरह मना कर सकते हैं मुझे. तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि कोई भी माँ, चाहे वो बायोलॉजिकली हो या अडॉप्टेड मदर हो, ग्रेजुएट बन के तो नहीं आती है कि भाई ये आपने ग्रेजुएशन कर ली है माँ बनने में, माँ बनने के लिए. तो वो एक ऐसी चीज़ है जो बच्चा खुद सिखाता है. तो रेने हैज़ टॉट मी हाउ टू बी अ मदर. आई ऑलवेज से दिस कि वो 4 साल की है तो मैं भी 4 साल की हूँ, क्योंकि वो 4 साल की बच्ची है और मैं 4 साल की माँ हूँ. बट सच बात तो ये है कि मेरी बच्ची एक इंडिविजुअल है, उसे अपना वक्त चाहिए. जब मम्मा आती है काम से वापस तो वो बहुत खुश होती है माँ से मिलके, और बहुत सारा क्वालिटी वक्त मेरे साथ बिताती है. जी 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 जी. ये आपने बात की 4 साल 5 साल, ये वो. मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ जो आपको लगभग लगभग उस उम्र से जानते हैं. प्लीज़ तशरीफ लाइए. Yes, we bought the room. Oh! Yes, so sorry. Hai we shouldn't have brought her. No, matlab, I'm like, So please tell us something about Taru. Taru meri jaan hai. Achha. Taru ko main tab se janti hoon jab main itni si thi. Aap choti si jaan thi. Itni si. Ji. Achha, ye jab choti thi, matlab itni choti bhi nahi thi, jab kam umr ki thi. तो तब से ये क्या इनको शौक था तस्वीरें खिंचवाऊं कि मैं मॉडलिंग करूं या ऐसा कुछ? हाँ, ज़रूर. शुरू से था. इनफैक्ट यू नो शी वाज वेरी क्लियर कि मेरे को कुछ बनना है. कुछ बनने मतलब से क्या? मतलब शी वांटेड कि जब मैं जाऊं तो मेरे बाद मेरे को दुनिया याद करे. दैट वाज ऑलवेज देयर इन हर माइंड दैट आई हैव गॉट टू लीव अ मेमोरी बिहाइंड, अ वेरी वेरी पॉजिटिव मेमोरी. आई गेस शी डन अ वंडरफुल जॉब ऑफ इट. ये मॉडलिंग में जब आदमी कोशिश करता है या तस्वीरें खिंचवाना, तो बड़े पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो इन्होंने भी बाकायदा आपने बनाया था? हां हां, शी गॉट टू पोर्टफोलियोस मेड. फर्स्ट वन वाज हरबंस मोदी सागर अपार्टमेंट्स, आई स्टिल रिमेंबर, एंड द अदर वाज बाय सुबोदास. इन फैक्ट आई थिंक शी लुक बेटर देन. अब थोड़ी सी मतलब अब रहने से थोड़ी कम ग्लैमरस लगती है. अरे वाह, मतलब ग्रेसफुल लगती है. जी जी जी. वेलकम बैक वीडियो कॉन. जीना इसी का नाम है. मुलाकात हो रही है सुष्मिता सेन से. गरज ये कि किस्सा जो है मॉडलिंग की इनकी सारी हरकतों तक पहुंच चुका था. मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूं जो उस ज़माने के बारे में और सुष्मिता के बारे में हमें कुछ बता सके.
प्लीज तशरीफ लाइए। आदाब आदाब रजत साहब, यहाँ ही है। आदाब, शुक्रिया भाई। भाई अभी तारू बता रही थी और सुष्मिता खास बता नहीं रही थी कि मॉडलिंग करने का इनको शौक था, मतलब वॉज शी डिसाइडेड कि मैं मॉडल बनने ही वाली हूँ। मेरी मुलाकात तो हुई वहीं थी। देयर वाज अ शो व्हिच वाज हैपनिंग फॉर द एयरफोर्स, वहाँ पे सारे एयरफोर्स के जो फैमिलीज के बच्चे थे उनको शो करना था सिर्फ। इट वाज फॉर देम, यू नो। तो सेन साहब की फैमिली भी गई हुई थी। हाँ, सो शी वाज देयर एंड आई हैपेंड टू बी देयर विद अ फ्यू फ्रेंड्स ऑडिशनिंग फॉर द शो एंड दैट्स वेयर आई मेट हर। पर आपने वो देखा इनका ये दौर के जब वो एयरफोर्स के शोज में मॉडलिंग करती थी, फिर और उससे कुछ बेहतर मॉडलिंग करती थी, फिर और उससे बेहतर मॉडलिंग करती थी। तो ये सारा दौर आपने देखा हुआ है? पूरा, पूरा, नहीं, पूरा। ये तो मतलब आपको मैं बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। बताऊँ? जी हाँ, आप ही का शो है। नहीं, नहीं, मतलब ये बहुत जरूरी है। जब मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड परमिशन फ्रॉम ऑल माई मम्मी डैडी ग्रैंडपा हियर, ही इज माई फर्स्ट बॉयफ्रेंड रजत, सच एन इम्पॉर्टेंट मैन। क्योंकि जब मैं मिस इंडिया जीती और मुझे मिस यूनिवर्स के लिए ट्रेन करने बॉम्बे आना पड़ा, तो बॉम्बे मेरे लिए एक एक बहुत ही फॉरेन शहर था, क्योंकि मैं दिल्ली में बड़ी हुई हूँ। वहाँ फिर मैंने रोने लग गई दिल्ली में। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगी अकेले बॉम्बे, मुझे नहीं जाना मिस यूनिवर्स, मुझे अकेले अकेले नहीं करना है। तो ही वॉज वर्किंग फॉर बेनेटन उस वक्त जी। तो रजत ने कहा ये तो मानेगी नहीं आंटी, मामा से बात हुई, इन्होंने जाके बेनेटन में बोल दिया कि या तो आप मुझे एक महीने की छुट्टी दे दो या फिर जो आपको ठीक लगे। इन्होंने इनको काम से निकाल दिया। रजत है वेरी मैसिवली रिस्पॉन्सिबल, जिनके सपोर्ट के बगैर मैं शायद वो एक महीना बॉम्बे में नहीं गुजार सकती थी। मैं चाहता हूँ कि वो एक साहब हैं जिन्होंने इनको देखा था और जिन्होंने फिर इनके बारे में बड़े मंसूबे बनाए थे, बड़े ख्वाब देखे थे। मैं चाहता हूँ कि आप उनका मैसेज देख लें, एक बात इनके बारे में कहना चाहते हैं, फिर हम अपनी आगे बात करते हैं। यहाँ से देखते हैं। To Miss Universe in a short span of 3 months. You handled fame with a very mature head on your young 18-year-old shoulders. Here's wishing you the very best, Sushmita. Such a wonderful message. Thank you. ये रंजन साहब ने आपको कहाँ देखा था? ये बहुत interesting बात है। जी। हम एक्चुअली रजत भी थे वहाँ पे। रजत और मैं बहुत मुश्किल से डैडी को मना के डिस्को गए थे। तो वहाँ डिस्को में ओएसिस में हाइट में हम लोग सब डांस कर रहे हैं और सडनली एक जेंटलमैन पीछे से आके कहते हैं एक्सक्यूज़ मी। मैंने कहा जी। तो कहते हैं यू नो यू वेरी ब्यूटिफुल। तो मैंने कहा नहीं, इसने जो है तो आई वॉक टू रजत एंड आई सेड रजत प्लीज़ बचा लो ये, ही इज़ हैड टू मच टू ड्रिंक। तो ही सेड एक्सक्यूज़ मी अगेन, हाँ यू शुड एंटर मिस इंडिया यू नो। तो मैंने कहा अब तो डेफिनेटली ही इज़ नॉट ओके। तो देन आई वेंट एंड स्टूड नेक्स्ट टू हिम। थर्ड टाइम ही केम, ही रियलाइज आई वॉज नॉट टेकिंग हिम सीरियसली। तो वो अपना कार्ड लेके आए, विजिटिंग कार्ड, और उन्होंने दिया कि भाई मैं रंजन बख्शी हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया से, प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए, कल आके मिलिए मुझसे। ओहो दिस टाइम तो आई टुक द कार्ड, आई लुक्ड एट हिम, गिव हिम अ चार्मिंग स्माइल, और मैंने कहा जरूर आऊँगी, जरूर आऊँगी। नेक्स्ट डे पहुँच गई मिलने और उन्होंने कहा कि 25 लड़कियां इस बार मिस इंडिया से नाम निकाल चुकी हैं अपना, सोच लीजिए करना है आपको नहीं करना है। सेट क्यों क्यों ऐसा क्यों? कहते नहीं इस बार ऐश्वर्या राय मिस इंडिया में जा रही हैं। मैंने कहा भाई मेरा भी फॉर्म दे दीजिए, वापस नहीं जाना मुझे। कि मैं तो नहीं जा रही। ऐश्वर्या ये शो आप देख रही हो? ज़रूर देखना प्लीज़, बिकॉज ऐश को मालूम है। ऐश को मैंने बाद में बताया था कि मैंने तो अपना फॉर्म फटाफट वापस ले लिया। मैंने कहा नहीं बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत है और बाकी सारी दुनिया जानती है उसे, मुझे नहीं जाना उसके साथ। तो मैं घर आ गई, जो जूते पड़े घर पे मम्मी से कि ये क्या तरीका होता है, तुमने मतलब कोशिश से पहले ही हार मान ली। तो ठीक है जीतने दो, अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है तो उससे हारो ना, और किसी से हार के क्या फ़ायदा, यू नो गो गिव इट योर बेस्ट शॉट। फिर पहुंच गया नेक्स्ट डे, फॉर्म लेके कि भाई ले लीजिए हमें लास्ट मिनट एंट्री। फिर उसके बाद जो गोवा में हुआ मुझे आज तक याद है। तो प्रीलिम्स सारे ऐश जीत चुकी थी, तो और भी कन्विंस थी मैं कि भूल जाओ कुछ नहीं होने वाला है। तो जब फर्स्ट रनर्स अप ऐश्वर्या राय बोला गया तो मैं तो रोने लग गई थी ऑलमोस्ट स्टेज पे कि मैं फर्स्ट रनर्स अप भी नहीं आई। अफसोस अफसोस कि मतलब रुकिए मैं आपको बताता हूँ आप क्या आई। ये देखिए यहाँ
Ali! '94 Femina title is Miss Sushmita Sen. The first Abhi baki hai, Abhi baki. Oh. Miss Colombia. अगर आप दो मिनट तशरीफ रखें तो मैं मिस्टर एंड मिसेस सेन को यहाँ बुलाना चाहता हूँ. प्लीज़ आप प्लीज़ तशरीफ रखें. आइए सर. प्लीज़ सर, मैं उस एक ख़ास घड़ी के बारे में पूछना चाहता हूँ. वो लम्हा जब ये अनाउंस हुआ कि मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, तो वो लम्हा आपको क्या याद है, कैसा लगा? फ्रेंकली स्पीकिंग एट दैट टाइम फारूक जी, मैं तो बिल्कुल ब्लैंक थी. बिकॉज वहाँ पे हम जितने सब थे आजू बाजू बैठे, सब आ गए थे मेरे को एकदम कम्प्लीटली कवर करके. अनाउंसमेंट के बाद? अनाउंसमेंट से पहले इनफैक्ट, यू नो, लाइक व्हेन शी हैड गिवन हर आंसर, पीपल आर ऑलरेडी नोन एंड आई वाज जस्ट क्रॉसिंग माय फिंगर. मैंने कहा रुको, आई मीन इट विल लेट देम अनाउंस फर्स्ट, यू नो. तो ऑफ कोर्स इट वाज वेरी क्लियर दैट इट वाज राइट देयर, बट अभी भी मुझे, यू नो, आई फील वेरी इमोशनल. यू मस्ट स्टैंड अप एंड आंसर. यस, थैंक यू सर. इमोशनल. जब मैं मिस इंडिया के लिए गई तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम डिज़ाइनर कपड़े पहन के और स्टेज पे जाएं, और चार कॉस्ट्यूम्स चाहिए थे. हम मिडिल क्लास के लोग हैं और हमको हमारी रिस्ट्रिक्शंस मालूम थी. मम्मी सो व्हाट, कपड़े देखने थोड़ी आ रहे हैं लोग, तुम्हें देखने आ रहे हैं. तो चलो, शुरू हो गए. कपड़े खरीद के लाए गए सरोजिनी नगर मार्केट से. हमारे नीचे गराज में एक पेटीकोट सीने वाला आदमी था, उनको जाके थमा दिया और कहा देखो भाई टीवी पे आने वाला है, अच्छा बनाना. तो उन्होंने उस फैब्रिक के साथ मेरा विनिंग गाउन तैयार किया. मम्मी ने बचे हुए फैब्रिक को मोड़ के रोज़ बनाया इधर के लिए, और फिर काला सॉक्स ब्रांड न्यू खरीद के काट के काले सॉक्स पे इलास्टिक डाल के ग्लव्स पहने थे मैंने. और मेरे लिए वो दिन, जिस दिन मैं वो ड्रेस पहन के मिस इंडिया जीती थी, मेरे लिए इतनी बड़ी बात है कि देखिए, इंसान को जो चाहिए होता है उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, इंसान की इंटेंशन सही होनी चाहिए. ये बात इन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से सिखाई. एक और साहब हैं जिनका इन्होंने जिक्र भी किया टाइम्स ऑफ इंडिया के, वो कुछ कहना चाहते हैं. रिमेंबर द डे यू वर कंपीटिंग फॉर द मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट इन मनीला. आई वॉज इन न्यूयॉर्क. आई थिंक इट वॉज वन ऑफ दोज वैलेज इन द होटल लॉबी हु वॉकड अप टू अस एंड सेड, आर यू इंडियन? आई सेड या. यू नो, योर गर्ल has won Miss Universe. So, you know, you've given a whole generation of young girls the big hope that, you know, if you try hard, you can succeed. Thank you. So lucky. My crown jita, and I was taken down in front of the whole crowd there with her crown. I'm so emotional to talk, actually. She went down to touch my feet. And you should have seen the reaction of the crowd and all the judges. He said, that's an Indian girl. Absolutely, you know. Absolutely. That she made me so proud. It's not only the love and affection or whatever she's taught, it's the culture of the country. Absolutely. वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है. सुष्मिता सेन से मुलाकात हो रही है. मम्मी ने कहा मुझे थोड़ा ब्रेक दे दो, मैं आके थोड़ा सा और रोलूंगी बाद में, लेकिन प्लीज़ अभी थोड़ा ब्रेक दे दो. तो हमने मिसेस सेन को थोड़ा ब्रेक दिया. ब्रेक में एक ख़बर मुझे ये मिली थी कि सुष्मिता सेन जो हैं, और कई चीज़ें तो जानती ही हैं लेकिन गाना भी जानती हैं. और ये भी जी हाँ आपका रियाज मैं जानता हूँ. और न सिर्फ ये कि हिंदी में गाती हैं, अंग्रेज़ी में गाती हैं, स्पेनिश में भी गाती हैं. तो प्लीज़ ज़रा स्पेनिश में गाना. वी प्रॉमिस टू रिवॉर्ड यू फॉर दैट. रियली? रिवॉर्ड? एब्सोल्युटली. अब गाना पहले हुआ था. ओके.
Marco se ha marchado para no poder. El tren de la mañana llega a Cesine. E solo ancora fancuna madene tal. En esa niebla crees que envolver a ciudad. Reward. Dejé. ऐसे लिरिक्स तो हम समझ ही गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। जो ध्यान से नहीं सुन रहे थे, उनको मैं मतलब सुना दूं कि उसका मतलब ये था कि प्लीज आप कहाँ हो, आप जल्दी से आओ, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, प्लीज आइए। अच्छा, मैंने सोचा ये रिवॉर्ड थी। जी। दीजिए। और वे साथ में एक रिवॉर्ड भी लेके आई। आप चाहें तो खोल भी सकते हैं। हम बुरा नहीं मानेंगे। तेरा फैन है फिर। खतरे की बात है। तेरे सो में नहीं है। ऐसे देख लें कि ये उड़ाना नहीं। ओह, ये यू समवन वेरी स्पेशल। कि मैं बाद में पढूं? मैं बाद में पढूं। मग तो मतलब स्टैंडर्ड। फॉरएवर आई एम गेटिंग मग्स फ्रॉम हर। पहचाना? ओहो, दिस वन। So she first got created man, then he had a better idea. First got created man? Man, then he had a better idea. Yes, then he created better men. Also, after course, idea. Yeah. Thank you, baby. It's lovely. ये जो इन्होंने बहुत अच्छे lyrics गाए, इसके पीछे का किस्सा क्या है? मतलब तो मुझे भी याद नहीं आ रहा। लेकिन ये incident क्या है? मगर incident है। पहले तो ये आराधिका चोपड़ा है। जी, वो ये मेरी बहुत ही बदमाश दोस्त है और मेरा जी का टुक टुक है। आफ्टर टी टू जी का टुक टुक बस सुष्मिता इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। लिरिक्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। बेटर एंड बेटर। हां, तो ये गाने का किस्सा कैसे हुआ था? जी, वो मैं थी। मैं जी जी आराधिका जी। इंडिया में टुक टुक मेक्सिको में सुना था पहली बार। जहां भी सुना हो, व्हेन आई फर्स्ट मेट, जब पहली बार मैं इनके घर रहने गई थी, तो सुश इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। वो पोएट्री भी लिखती हैं, टैरो कार्ड भी पढ़ती हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी बजाती हैं, गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं। जब ये पर्टिकुलर गाना इन्होंने परफॉर्म किया, आई बिकेम वेरी सेंटिमेंटल एंड इमोशनल एंड आई टोल्ड हर व्हेनेवर यू नीड मी यू जस्ट हैव टू सिंग दिस सॉन्ग एंड आई विल बी देयर। मैंने सोचा था कि साल में एक बार या तीन साल में एक बार, पाँच साल में एक बार, व्हेन यू रियली नीड अ फ्रेंड आई विल बी देयर व्हाटएवर हैपेंस। आई रीच बैक दिल्ली, दूसरे दिन फोन होके हेलो भी नहीं बोला, गाना गाना शुरू कर दिया। And I laughed because और वो शाम की फ्लाइट से आ गई वापस। मैं शाम की फ्लाइट से वापस आ गई। That's why मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता है इसके पास आना आने से until she sings that song। जी, ये जी का टुक टुक का जी का जंजाल हो गई है। जी का जंजाल। जी। Totally। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि एक जो है मुलाकात आपसे एक और साहब की हो जाए। जी। और पता नहीं टुक टुक है या कुट कुट है, कुछ भी हो तो कुछ तो है। हाँ जी साहब, हुजूर जनाब। So good to see you. मतलब आपने सच्ची मेरी सारी दुनिया यहाँ ले आए हैं। जी 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 जी। अच्छा, आप ये दुनिया के इस हिस्से का परिचय आप करवाएंगे? जरूर जी। ये जो बहुत ही हैंडसम एंड वेल बिल्ट मैन है, ये है सुबी सैमुअल। मैं इन्हें अभी 7 साल से जानती हूँ और ये एक बहुत ही नामी फोटोग्राफर हैं। बल्कि मेरे जितने भी आपने तस्वीरें देखी हैं फिल्मों में, पब्लिसिटी में या मैगजीन कवर्स में, सारी पिक्चर्स कॉपीराइट सिर्फ ये खींचते हैं। पिछले 4-5 साल से सिर्फ ये मेरी तस्वीरें खींचते हैं और इनसे ज़्यादा इंस्पायरिंग आदमी मैंने तो नहीं देखा है। कहाँ से शुरू किया था इन्होंने काम और आज कहाँ तक ले आए हैं। इज़ अ वेरी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फ्रेंड ऑफ माइन। थैंक यू। सुबी सैमुअल, लेडीज एंड जेंटलमैन। Stop, I'm getting all embarrassed. आप इनसे कब मिले थे? कब? मैं एसिस कर रहा था राकेश श्रेष्ठा को, जो खुद बहुत कामयाब, जो मैं उन्हीं के यहाँ पे शूट करती थी पहले। तो उसी, you know, when I was assisting him, that is when I met her for the first time. It was my first day at work. We were shooting with her, and वहीं पर दोस्ती हुई थी. And it went on to be a great, great friendship over a long period. नहीं, ये भी बता ही दूँ मैं आपको। ये असिस्टेंट साहब कैमरा और लेंस को हाथ में पकड़े ऐसे ऐसे खुजली हो रही थी हाथ में कि एक फोटो खींच ही लूँ मैं। तो जैसे ही राकेश श्रेष्ठा स्टूडियो छोड़ के बाहर गए तो
तो मैंने इनकी तरफ देखा और कहा शुरू हो जाओ. कहते नहीं नहीं डांटेंगे सर. कहा नहीं नहीं तुम शुरू हो जाओ मैंने कहा ना. तो मैंने पोज वोज करना शुरू कर दिया. इन्होंने तस्वीरें लेनी शुरू कर दी. वो 10 फ्रेम जो इन्होंने खींचे थे वो पूरे रोल के सबसे बढ़िया फ्रेम्स थे. वहाँ से शुरुआत की थी सुबी सैम्यूल ने. वेलकम बैक वीडियो कॉन. जीना इसी का नाम है. किस्सा चल रहा था सुष्मिता सेन कहाँ से शुरू हुई कहाँ तक पहुँची. जाहिर है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है अच्छी चीज़ों के लिए अपनी आंखें बहुत खुली रखती है अपने कान भी खुले रखती है. तो फिल्म इंडस्ट्री जो है खूबसूरत चेहरा टैलेंटेड लोगों को फौरन ही स्पॉट कर लेती है. तो आपको सुष्मिता कब हमारी इंडस्ट्री ने स्पॉट किया? मिस यूनिवर्स बनने के बाद काफ़ी ऑफर्स आए थे लेकिन मैं एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी. क्यों भाई? मुझे लगता था कि एक तो मुझसे नहीं होगा. You know, and I used to think that मुझसे dancing नहीं होगी. मुझे disco में नचा लीजिए जितना मर्जी मगर 1, 2, 3 choreographed movements नहीं होगा. And since Indian cinema is musical by nature, मुझे बहुत डर लगता था. तो 95 में जब मैंने Miss Universe का crown next winner को दे दिया उसके बाद मैंने एक clothing company start की थी Santiago, Chile में South America में. तो वहाँ पर recession आया market में 95-96 में. तो मैं एक हफ्ते के लिए मम्मी डैडी से मिलने घर आई. जब घर आई तो महेश भट्ट जी के ऑफिस से फ़ोन आया. उन्होंने कहा वी लाइक टू मीट. आई सेड ओके वी मेट. तो उन्होंने कहा कि भाई आप एक फिल्म कर लीजिए मेरे पास एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है आपको सूट करेगी. मैंने कहा नहीं जी मुझसे एक्टिंग नहीं होगी. तो कहते मैंने कब कहा आप अच्छी एक्ट्रेस हैं. मैं कह रहा हूँ मैं अच्छा डायरेक्टर हूँ चुपचाप आ जाइए सेट पर. तो मैंने कहा ठीक है इतने कॉन्फिडेंट हैं आप तो चलिए. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एज एन एक्ट्रेस. सुनते हैं क्या कह रहे हैं. काफ़ी वक्त हो गया आपसे मिले हुए मगर स्क्रीन पर देखता हूँ लगता है कि सब कुछ ठीक ही है. मगर एक शेर याद आता है कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं अभी इश्क के इंतहा और भी हैं. तुम्हारे में वो पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर वो जज्बा है तुम्हारे अंदर वो इरादा है कि तुम और ऊँचाइयों को छुओ. एंड ऑल द बेस्ट. इट्स ग्रेट टू नो यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल. फिल्म के रिलीज होने के बाद मतलब किस किस्म का रिएक्शन आया क्या रहा आपकी फिल्म इंडस्ट्री के तजुर्बे कैसे रहे? बॉक्स ऑफिस के डेफिनेशन से तो मतलब इट्स द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ प्रीटी बिग फ्लॉप दस्तक. बट एज एन आर्टिस्ट एज अ न्यू पर्सन जिसकी पहली फिल्म थी आई थिंक इस फिल्म में एक वो रॉनेस है जो एक बार आप कैमरा समझने लग जाते हैं लाइट समझने लग जाते हैं तो वो चला जाता है हमेशा हमेशा के लिए. लेकिन जैसा आपने बहुत ईमानदारी के साथ कहा कि भाई बॉक्स ऑफिस पे उसका रिस्पांस वो नहीं रहा जो आप चाहती थी तो क्या बेहद मायूसी हुई क्या? जी मेरी ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ पहली बार में नहीं हुई है और ये मेरे लिए अच्छा है. तो जब दस्तक नहीं चली तो मुझे पता था कि मैं इस इंडस्ट्री में बहुत साल तक रहूँगी. ये साहब को भी ऐसा ही कुछ लग रहा है. ये देखते हैं इनकी बात. हाय शुश. It's been long, I've seen you. Well, there's something about Shush people don't know, I don't think so. That's, she's such a great-hearted person, you know. She looks after the whole unit so well. I mean, it's like family for her, whichever film she works for. Well, in the end, I want to wish you all the best in life. In the real sense, you're the Miss Universe. Film career, aapka phir se ek rebound par aa gaya aur phir tarakki ki nayi manzilein thi. Aur hote hote jo hai, ये तशरीफ लाई होते होते आइए. ओह माय गॉड सो स्वीट. ओह थैंक यू पीपल. आया सॉरी सॉरी आई एम जस्ट अ लिटिल फ्लमॉक्स्ड. आदाब मेघना. आइए तशरीफ. आप लोग बहुत स्वीट हो. सो तो है सो स्वीट. इस बात पर हाँ ये हम सब एग्री करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. मैं मेघना से पूछना चाहता हूँ कि तब तक इनकी ऐसी कोई फिल्म आई नहीं थी जिसको देख के आदमी कहे यार ये फिलहाल में फलां रोल में बहुत फिट होगी. तो आपने ऐसा कैसे सोचा कि ये भाई बात सही रही? फारूक जी फिलहाल में सुष्मिता का डिसीजन प्योरली इंस्टिंक्ट था जी.
बिल्कुल, मैं उन्हें एक्चुअली किसी और फिल्म के सेट पे कैजुअली मिली थी. मैं उनसे भी नहीं मिलने गई थी, मैं किसी और से मिलने गई थी. और उनके वैन में जाकर बैठी और वहाँ ये बातचीत कर रही थी और रेने के बारे में बात शुरू हुई. और जब वो रेने के बारे में बात कर रही थी तो उनके चेहरे पे एक चमक थी जिसमें मुझे सिया दिखाई दी. जिस तरह से फ्रॉम डे वन शी सेट मी ऑन अ रोल टू प्ले सिया, एवरी लिटिल थिंग अबाउट हर आई स्टार्टेड इट बिकेम मी. यू नो इट वाज लाइक आई डिडंट हैव टू कम बैक एंड बी सिया, आई वाज सिया. एक साहब भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं. वन डे आई टर्न अप लेट ऑन द सेट्स द फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग at 11 o'clock, Sushmita Sen was there since 9 o'clock in the morning. So as soon as I went up to the set and I said, hi Shush, that was the first time meeting Shush. Hi Shush, how are you? Salman. And she just shakes my hand. She does, and she walks away. So I turn on, ask David, I said, what's her problem, man? Why she give me attitude? He said, no, she's been ready with makeup here since 9 o'clock. That means she had to wake up at 6. I said, that's not my problem. I told you that you know, I'm going to be here by 11:30. And then that was our first meeting. There's one thing that I really like about this girl sitting right in front is Sushmita Sen, that she's got a big heart. I remember that when we were shooting for BB number one, she was in Miami, and she, you know, usually people do that on other people's expenditure and stuff, on the producer and stuff. That out here, she hired herself a limousine. And she took her whole staff and she went to a nightclub, and she, the best of champagne, the best of dinner, and these guys rocked it and came back and everybody was really happy. And she does these things quite a lot. All right, you take it easy. And don't laugh that loud. Or if you're getting emotional right now, there's no need to be emotional. Okay, smile. Take it easy. See you later. Bye. He's such a sweetheart. भाई जब आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो चिल्ड्रंस डे है, लेकिन आपको पता है कि 5 दिन के बाद इनका बर्थडे भी है. yeah. लेकिन चूंकि सुष्मिता सेन का बर्थडे है तो कोई मामूली तरीके से तो नहीं मनाया जा सकता. कुछ हंगामा होना चाहिए, कुछ धमाका होना चाहिए, ऐसा लगे कि भाई सुष्मिता सेन का बर्थडे. भाई कुछ धमाका वमाका करने वाला इरादा है आपका? क्या हमारी यूनिट को क्या हो गया? सलमान खान को बुलाऊं क्या? सलमान देखो ये बात नहीं मान रहे मेरी. ये आई 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 आई. मैं को पाना बहुत बड़ा काम है. जीना इसी का नाम है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. अगले हफ्ते फिर आप हमको यहीं पाएंगे, कहीं खो मत जाइएगा. ऐसे ही कोई बहुत दिलचस्प मेहमान से मुलाकात होगी. तब तक के लिए आदाब अर्ज़ है. आदाब. प्लीज तशरीफ लाइए. पूजा भट्ट मैं ट्विंकल खन्ना को ले लेता. जब मैंने ये कहा तो एनिमल जो जेलसी है वो अचानक जागी. मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसे था, बहुत ही खुश थी क्योंकि आई एम होल्डिंग दिस लिटिल बॉयज हैंड इन द क्रिसमस ट्री. इट वाज माय बर्थडे बिकॉज़ इट्स आवर क्रिसमस. कौन है, कहां होगा? फॉर्चूनेटली फॉर अस वी गॉट देयर. इट वाज मैजिकल. सो मच सो दैट वी हैड द वर्ल्ड लुकिंग एट अस एंड सेइंग यस दिस इज व्हाट वी वांट टू बी. बट सामने भी डाटा है मुझे. यू शुड टेल अस समथिंग. यू शुड एक्सप्लेन टू अस योर मैन. ऑल आई कैन आई टेक इट.